सोशल मीडिया पर अपने आउटफिट्स की वजह से सनसनी मचाने वाली उर्फी जावेद जमकर लोगों के आलोचना का शिकार होती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती है। उनकी डिजाइनर रात रात भर जागकर उनके लिए ड्रेसेस डिजाइन करती है और वो उसे पहनकर उसे अपने हुस्न का जलवा बिखेरती है। हालांकि अभी का नहीं है कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा करती हो, उनका तो ये बचपन का सपना था। इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में किया है। उर्फी जावेद का कहना है कि उन्होंने बचपन से ही ये तय किया था कि वो बोल्ड आउटफिट्स पहनेगी। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में वो कहती है कि ये मैं लंबे समय से कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा पहनना पसंद है जो मुझे सबसे अलग बनाता है। मैं बोल्ड हूँ और ये मेरे कपड़ों में भी दिखना चाहिए। आप कार्डी बी से सलवार और साड़ी पहनने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लोग अपने व्यक्तित्व के अनुसार तैयार होते हैं। उर्फी जावेद ने साल 2016 में टीवी शो के जरिए अपना करियर शुरू किया था। 6 सालों में उर्फी ने काफी मेहनत की। उनका कहना है ये जर्नी बहुत मुश्किल थी। मुंबई में कितनी परेशानी सहनी पड़ी है, कैसे सरवाइव किया है मुझे ही पता है, लेकिन बिना रुकावटों के तो सफलता का मजा ही नहीं है। मेरी एक स्ट्रगलर वाली लाइफ रही है, लोग बहुत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उर्फी ने बताया कि उन्हें रातों रात टीवी शो से रिप्लेस कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उनके घर पर मेकर्स ने गुंडे तक भेज दिए थे। उनके मुताबिक टीवी शोज पर मुझे बिना कारण बताए कहा गया कि आपको नहीं आना है, हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं। मैं तो परेशान हो जाती थी। मैं माइथोलॉजिकल शो कर रही थी और मैं सुबह 5:30 बजे नए गांव के एक सेट पर गई। क्रिएटिव ने मेरा इंस्टाग्राम देखा जो हमेशा से बहुत बोल्ड था। माइथोलॉजिकल शो था और मैं 6 से 7 घंटे अपने कमरे में थी, कोई भी मेरे रूम में नहीं आया। मैंने फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको हमने रिप्लेस कर दिया है। उर्फी ने दूसरे वाकये के बारे में भी बताया, जब उनको वेब सीरीज में बोल्ड सीन्स करने के लिए मेकर्स मैनिपुलेट कर रहे थे। उन्होंने बताया मुझे एक वेब सीरीज मिली थी, लेकिन बताया नहीं गया था कि उसमें बोल्ड सीन्स है। जब मैं सेट पर गई तो वो लोग मुझे वो करने के लिए फोर्स करने लगे, कहने लगे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उनको पता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, हालांकि मैंने वो वेब सीरीज नहीं की। मैंने झेला जो भी मेरे साथ हुआ, लेकिन 4th दिन मैं सेट पर नहीं गई। उन्होंने मेरे घर पर घूंडे भेज दिए। मेरे रूममेट्स ने मुझे बताया कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मैं डर गई थी। डर लगता है, लेकिन क्या करे, डर से जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे यार। उर्फी जावेद ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो जिसे डेट कर रही है उसका नाम नहीं बताएंगी, क्योंकि हर कोई ट्रोलिंग से सहज नहीं होता है। वो अपने रिश्ते को सीक्रेट रखेंगी। उनका कहना है कि मुझे जिस तरह की ट्रोलिंग मिलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे पार्टनर उससे गुजरे। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।